हेलो दोस्तों, यदि आपके पास कोई भी डबल डेकर सीपीयू होता है, उसको आप अच्छी तरह से निकाल लेते हैं, सबसे ज़्यादा हमको प्रॉब्लम आता है उसकी रैम के जो हॉल्सों को साफ करने में, जहाँ पर हमारे रैम अटैच होते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको वहाँ पर पेस्ट लगाना है। पेस्ट भी आप अच्छी कंपनी का यूज करें, चाहे तो आप मैकेनिक कंपनी या रीलैब कंपनी का पेस्ट यूज कर सकते हैं। उन वो तकरीबन आपके 300 से 400 रुपये के अच्छे सिरिंज वाले पेस्ट मिल जाते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको इसकी जो बॉल छोटी बड़ी होती है, उनको आपको सभी को सेम टू सेम साइज में लाना होता है। ऐसा करने से क्या होता है, उस जो भी इनकी छोटी सब बॉलों को हम हॉल से छोटा कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हमको क्या करना पड़ता है, उसके बाद हम इसे साफ़ करते हैं। इस तरह से आप जब इसे फर्स्ट टाइम साफ करेंगे तो आपको कुछ हॉल्स इसके अंदर ग्लू के द्वारा बंद हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक ब्रश है, उसको आपको इस एंगल में काटना है। देख सकते हैं आपको उसे किस तरह से कटिंग करना है, इस एंगल में कटिंग करना है। क्योंकि क्या है कि जब आपकी जितनी बड़ी ब्रश होती है, तो उसके जो पिने होती हैं वो ज़्यादा बड़ी होने से वो बेंड हो जाती हैं और आपका ग्लू सही से नहीं निकल पाता है। जब भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है रैम को क्लीन करने में, दोस्तों सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है तो वो है ब्रश। आपको ब्रश को इस तरह से कटिंग करनी है। दोस्तों ये ब्रश आपको नॉर्मल नहीं लेनी है, ये आपको मेडिकल लाइन मेडिकल वालों से ये ब्रश आपको तकरीबन 60 से 70 रुपए की मिल जाती है। उसके बहुत ही बहुत लो बारीक बाल होते हैं, उनको आप जब इस शेप में काटेंगे तो वो आपकी बहुत अच्छी तरह से काम करेगी। दोस्तों यदि आपको साफ करने के बाद ये आपको कम से कम 2 से 3 बार देखो वही ब्रश की कटिंग है, इस तरह से आपको ब्रश की कटिंग करनी है। ये हमारी ब्रश हमने जो ली थी, ये हमको पड़ी थी 60 रुपए की मेडिकल वालों से। इनका जो मेडिकल वालों से जो ब्रश लेते हैं वो बिल्कुल ही छोटा ब्रश होता है, उनकी जो बिट होती हैं वो बहुत ही छोटी होती हैं, बहुत ही पतली होती हैं जो हमारी नॉर्मल टूथ वाले ब्रश से। दोस्तों वह और उसके बाद जब इसे आप हॉल्स को साफ करोगे, उससे एकदम आपके 2 से 3 बार जब आप थिनर से साफ करेंगे तो आपका सारा ग्लू हट जाएगा एकदम क्लीन। दोस्तों जब आप इस पर पीपीडी को अप्लाई करें, पीपीडी को अप्लाई करने से पहले आप सबसे पहले आपको इस पर हीट को लगाना है। क्योंकि यदि आप इस पर डायरेक्ट पीपीडी को लगा देंगे, जैसे कि अगर किसी हॉल के अंदर ग्लू होगा तो पीपीडी उसके ऊपर रह जाएगा। जब आप उसकी बॉल बनाएंगे तो पीपीडी बॉल बनते समय बाहर निकल जाएगा, क्योंकि उसके नीचे ग्लू है। तो हम सबसे पहले क्या करते, सबसे पहले हम रैम पे हीट लगा लेते हैं। रैम पे हीट लगाने से क्या है, सारी बॉलें हमारी हीट होने से जो ग्लू है वो मेल्ट हो जाता है। जब हम उसमें गरम रैम में ही जब हम पीपीडी को लगाते हैं तो वो हमारा अंदर तक चला जाता है, क्योंकि हमारा पीपीडी में भी पेस्ट होता है। पेस्ट हमारा पिघल के जो पीपीडी की छोटी छोटी जो शोल्डर की बॉल्स होती हैं उनको वो अंदर तक ले जाता है। उसके बाद हम इसे इस तरह से रिवॉल्व कर, दोस्तों रिवॉल्व करते समय आपको इसकी एयर को रखना है वन पर। जब आप एयर रखेंगे तो इसकी जो बॉल्स है वो हॉलों से बाहर नहीं निकलेंगी, क्योंकि जितना आपका एयर का प्रेशर उतना कम होगा उतनी ही अच्छी आपकी हॉल्स के अंदर बॉल्स बैठ जाएंगी। दोस्तों इस तरह से बॉल बैठने के बाद, अभी हमारी रैम गर्म है तो आपको गर्म ही रैम पर दोबारा से लगाना है पीपीडी, क्योंकि यदि आप ठंडी पर लगाएंगे तो जो हमने बताया था, यदि ग्लू के ऊपर यदि आपका पीपीडी लग जाएगा, जब आप इस पे एयर लगाएंगे तो वो उसको बाहर निकाल देता है। तो आप गर्म पे लगाएंगे, गर्म पे क्या है कि आपका जो ग्लू है वो साइड से हट जाता है और हमारा बॉल से बॉल की कनेक्टिविटी हो जाती है। जब आप पीपीडी को लगाएंगे तो पीपीडी की बॉल्स बॉलों से मैच हो जाएंगी। और आपको एयर का यहाँ विशेष ध्यान देना, एयर आपको रखनी है मात्र 1 और हीट रखनी है आपको 280, इससे ज़्यादा आपको हीट नहीं रखनी। आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने केवल कुछ मिनटों में इस जहाँ पर हमारी रैम लगती है उसको रिवॉल्व कर लिया है। आप देखते हैं हमारा ये तैयार हो चुकी है। अब हम केवल सीपी को रिवॉल्व करके